लगता है कि मेरा शरीर पता नहीं क्यों हर जगह से जख्मी हुआ पड़ा है, आई डोंट नो व्हाई, बट बैक पेन तो चलो हल्का हल्का है ही है। वो साथ ही मैं ये देख लो इस उंगली में कल मेरी दो बारी बॉल बजी है खेलते खेलते, तो इसमें अलग पेन है ठीक है। यहाँ बैट लगाए इस साइड को फोर आर्म्स में, वहाँ अलग पेन है इस साइड को भी, इवन राइट साइड में भी पेन। आई डोंट नो, ये सो के उठकर जैसे मैं भी उठा हूँ तो तब लग रहा है, क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं, बट लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब जहाँ भी मैं टच कर रहा हूँ ना अपने आप को आज वहाँ पेन हो रहा है। कोई नहीं गाइस, ये तो ठीक हो जाएगा अभी विद टाइम। बाकी फाइनली गाइस उठ चुके हैं, हो चुके आज के दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग, होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमने जाना है किसी खास जगह, कहाँ पर वो आपको आगे चल के बताते हैं। बस फिलहाल के लिए अभी रेडी होते हैं, सबसे पहले तो नीचे चलते हैं, रेडी होते हैं, खाते पीते हैं और फिर निकल जाते हैं, क्योंकि हम चाहते जितना टाइम लिए निकला जाए उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे को बीच में रास्ते में ना बहुत सारे काम भी है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी भी है, तो उसमें भी अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि हम लेट हो जाए। देख सकते हो दादी भी रेडी हो चुके हैं, अब इससे आपको आइडिया आ ही जाएगा कि देखो दादी रेडी हो चुके हैं तो हम कहाँ जा रहे हो गए। इससे बड़ा हिंट क्या दे सकते हैं आप। दादी ने अपने अपना सामान भी पैक कर दिया, देखो ये और ये, कुछ सामान दादी ने अक्षय भाई वगैरह के पास भेज दिया था ऑलरेडी, बट कुछ सामान अभी दादी अपने साथ ले जा रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा मैक्सिमम लोगों को कि हम कहाँ जा रहे हैं। छोड़ो क्या वो खेलना है यार। तो गाइस हम जा रहे हैं गाँव, क्योंकि गाँव में ऐसे एक तो देखो हमने दादी को छोड़ना था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड चीज़ ये थी कि थोड़े बहुत हमारे को भी काम थे तो हम इसलिए भी जा रहे हैं, थर्ड हमारे को ना कुछ सामान भी ले जाना था, काम मिला कर फिर हमने सोचा गाँव चल पड़ते सारे काम निपटा देते हैं, क्योंकि फिर बहुत जल्द मुझे वापस भी जाना है तो फिर टाइम नहीं लगेगा, तो ये सबसे बेस्ट मौका था, तो मैं ठीक है निपटा आते सारे काम। एक चीज़ ये भी है इसके हमारे को ज्वाइन करने वाले काफ़ी लोग हो सकते हैं आज गाँव के लिए, कौन कौन अभी वो अब हमारे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो पता नहीं है, बट हाँ जाने वाले हैं काफ़ी लोग। गाइस बड़ी मुश्किल से कल पैकिंग की थी इस बैग में, अब हमें इंटरचेंज करने पड़ रहा है सारे कपड़े, ये सारे कपड़े इसमें आएंगे, इसके सारे कपड़े इसमें जाएंगे। कल तक इसका प्लान नहीं था ना, प्लान बन गया तो थोड़ा पैकिंग इसका भी देखना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा था अलग अलग ले चलो, ये बोलता नहीं। कुछ ये वाला सामान हो गया इतना सारा है ना, और भी अभी है, और जाना है किसमें हम सब ने, सेंट्रो में है पांच लोग, सामान भर के है, सेब की दवाइयाँ उठानी है, बहुत कुछ है अभी, बट गाड़ी कौन सी, सेंट्रो, पता नहीं एडजस्ट कैसे करेंगे क्या होगा, आई डोंट नो। ये है कि अपने साथ जाने वाले, मतलब ये है कि मतलब गाँव जाने वाले आज बहुत लोग हैं, जैसे रोनी भैया, प्रीति भाभी, सल्ला भुई, सुधीर मामू, ये सब भी गांव जा रहे हैं, बाकी रोहिंदी, सार्थक की जो, ये सब भी गांव जा रहे हैं, बट ये है कि ये शायद आगे कहीं निकल गए, ये हमें मिलेगा ना मिलेगा उसको कुछ गारंटी नहीं है, तो अभी मतलब कंफ्यूजन बहुत है, सामान ज़्यादा है, जाएंगे कैसे वो समझ नहीं आ रहा, स्पेशली तो दादी को। सब निकल गए, सेल्फिश सारे है ना, सेल्फिश है दादी, ऐसे दौड़ना होता। क्या कर सकते हैं दादी, मैंने बोला सबकी परेड, वहाँ जाके परेड करना सबकी, देख लो अगर 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 आप वहाँ बदल गए तब देखना फिर आप, नहीं बदलने वाले नहीं, मैंने बोला तुम ऐसे कैसे। जैसे तैसे सामान अपना आई है फिट कर गए, अब पहाड़ी लोग है भाई, गांव जा रहे तो ऐसी भर के जाएगी, क्या कर सकते हैं, पीछे कुछ दिखेगा नहीं अपने को, पीछे वाले शीशे से नॉट अ प्रॉब्लम, चलेगा अपने को। तो चलो बोलो चुड़ेश्वर महाराज की जय, ओम चुड़ेश्वर महाराज। फाइनली चलते हैं, अब निकलने का टाइम अपना आ चुका है, सुनने में आया कि रोनी भाई शायद वेट कर रहे हैं हमारा फाकू में, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ से थोड़ा चेंज कर लेंगे फिर अगर लगा हमें। सीजन अगर खत्म हो गया तब भी यहाँ पर इतना रश क्यों है मुझे बताओ, ये तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, HP के ज्यादा लोग हैं यहाँ पर लोकल, नहीं DL भी है, काफी और गाड़ियां भी होनी, मुझे लगा था गाइस टूरिस्ट सीजन इज ओवर, बट नो यहाँ तो है ना टाइम, टूरिस्ट सीजन ही है, सही बात है, लोग आ जाते हैं, एग्जैक्टली हर टाइम ये, बस तो
अब गाइस अब आसान हो गया ना, मतलब अब लोग इतना घबराते नहीं कि कैसे जाएगी क्या होगा, सब अब आ जाता है हिम्मत करके। गुजरात बोलो जी, गुजरात भाई सोचो MH तक से आ रही है गाड़ियां यहाँ पर यार, तो कुछ तो बात है, लोग हिम्मत कर रहे हैं, लोगों में जोश आ रहा है कि हाँ भाई ट्रैवल करना है और अपनी गाड़ियां लेके जाना है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग गाइस। ऊपर से हाँ बारिशें भी इस बार कम हो रही है तो लोगों को मौका मिल रहा है कि हाँ आ सकते हैं, वरना अगर तो बारिश होती है रोड ही इतना खराब हो जाता है ना, लोग उससे ही डर जाते हैं मैक्सिमम, बट इस बार ऐसा कुछ है नहीं तो लोग आ रहे हैं धड़ाधड़ आ रहे हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ना यहाँ पर हम रुके हैं, क्या बोलते अपना क्या 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 नाम था इस जगह का यार, छड़ाबड़ा सॉरी भूल गया था मैंने, इसको जुबरट्टी बोलने लगा बट फाइनली गाइस वी हैव रीच छड़ाबड़ा। यहाँ से हम ले रहे हैं थोड़ा बहुत खाने का सामान, पानी वगैरह लाए तो एक दो बॉटल्स हम थे बट वो अभी खत्म होने वाली है, तो हमने सोचा लेके चलते क्योंकि पानी इज इम्पोर्टेंट, बाकी सब होता रहेगा पानी इज इम्पोर्टेंट। दादी है ठीक हो? हेलो ठीक है ना? हाँ जी चलो ठीक है, दादी की तबीयत ठीक है तभी हम आराम से भी चल रहे। चलो गाइस फाइनली रोनी भी अभी आ चुके हैं, वेरी नाइस। अब देखते थोड़ी शिफ्टिंग करते हैं, ये तो अच्छा ये मिल गया हमें, वरना थोड़ा टफ हो जाना था बट कोई नहीं, व्हील मैनेज समहाउ दिक्कत है। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, शिम्बम भी फिर ले आया वही, मैं आ जा भाई क्या करेगा अकेले नमस्ते भी आ जाओ सब जा रहे हैं, बोलो मैं ही बोलो तंगड़ा ही पूछना मैं तुम्हारे को, टिल्ले हो गए क्योंकि दवाई होगा। चलो ठीक है जी का भी साथ जा रहा है, क्या बात है आगे बैठो आगे तो आप ठीक रहते हैं, याद है पिछली बार भी गए थे एक बार तो गाइस दादी जा रहे हैं अब रोनी भैया के साथ थार में, थार में तब भी दादी की थोड़ी तबीयत ठीक रहेगी जो मुझे लग रहा है। फाइनली टाइम टू लीव, दादी को शिफ्ट कर लिया हमने रोनी भैया की गाड़ी में, क्योंकि अब ऐसा है हमारे को ना थोड़ा आगे तक जाना है, ठीक सभी नारकंडा वाली साइड जाना है, वहाँ से हमारे को दवाइयाँ उठानी है सेब की, फिर जाके हम निकलेंगे, फिर दादी ने शाली भी जाना ना, हाँ फिर दादी का थोड़ा लंबा भी है सफर। संधू करके यहाँ पर है ये शॉप संदेश एग्रोकेमिकल्स, यहाँ पे यहाँ से लेने हैं हम दवाइयाँ, मतलब जब भी हमारे को कहीं रास्ते में नहीं मिल रही होती, जैसे ढली एक दुकान है, थियोक में भी एक दुकान है, वहाँ नहीं मिलती तो हम यहाँ जाते हैं लेने, यहाँ पर मतलब ठीक रेट में सारे ऑप्शंस अपने को मिल जाते हैं, तो कई बार हम पहले भी लेके गए इस बार भी आए, तो अब ऐसे डैडी पापा की कुछ दवाइयाँ सेब की दवाइयाँ उठानी है, बट वो उठानी है पीछे चौपाल से, चौपाल बोल रहा हूँ सॉरी पीछे थियोक से, तो अभी यहाँ है फिर पीछे ठियोग जाना पड़ेगा, वहाँ से सामान उठा के फिर चले गए भाई, पहुँचते पहुँचते हमें 8-9 बजेगा आज। डैडी पापा का पार्सल उठाने के बाद अब आगे हम यहाँ पर सब्जियाँ लेने, थोड़ी सब्जियाँ उठाते क्योंकि अब एक आध दिन बिताना पड़ेगा ना अपने को, वहाँ नराथा में तो वहाँ पर सब्जियाँ लगेंगी, वहाँ पर तो ऐसा सारा सामान स्टार्टिंग से ले जाना पड़ता है, तो बस वही लेने आए, ये उठाते उसके बाद निकल पड़ेंगे सीधा अपने गांव की तरफ। अब ऐसे आगे रोनी भैया वगैरह हमें मिलेंगे क्योंकि जो डैडी पापा का सामान है वो कशांडी तक भी पहुँचाना है, तो रोनी भैया वगैरह सारे कशांडी जा रहे, तो चलो उसी खातिर उनका सामान भी पहुँच जाएगा, चलो इसी बहाने दादी भी हमारी कशांडी तक पहुँच जाएगी, वरना मैंने ये सोचा था स्पेशली मैं ही छोड़ने चल जाऊंगा बेशक दादी को, क्या कर सकते यार अब करना तो पड़ना ही रहा कुछ ना कुछ, पर चलो लिफ्ट मिल गई दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बाकी हमारा भी प्लान है शांडी जाने का, अभी नहीं बट एक दो दिन बाद हमारा भी प्लान है, क्योंकि अभी हमारे कुछ काम है ऊपर करने को, वो निपटाएगी उसके बाद जाएगी। फिर आखिर में एक शादी भी है इस गाँव में, वो भी हमने अटेंड करनी है, तो उसमें भी देखते क्या रहते हैं उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। 4 बजने वाले, 3:40 ऑलरेडी हो चुके, मैं सोच रहा था अभी 1-2 बज रहे आराम से अपने पास बतेरा टाइम, 4 बजने वाले। साइंस पहुंच चुके हैं, अब ना मैंने सोचा कि यहाँ इनका ना नंबर ले लेंगे, होता है यार कभी कभार अब हमने यहाँ आना है ना, और हमारे को थोड़ी जल्दी है तो इनको बोल के तो रखेंगे कि ये बना के रखो, हम आए खिलाओ और निकल गए। अब बढ़िया पेट पूजा करते हैं गाइस, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट किया उसके बाद कुछ नहीं खाया है, तो भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो खाते पीते फिर निकलते हैं। और बाकी मैं ना आपको व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का, आजकल
इतना ही खूबसूरत लग रहा है ना चारों तरफ की, क्या ही बताओ। देखो हरियाली कितनी प्यारी हुई है चारों तरफ, डैम अमेजिंग। इतनी गर्मी है कि देखो पंखे चलाने पड़ रहे हैं। सीरियसली दिन को तो तपता होगा ना अच्छा खासा जब तो धूप सकते हो। तो गाइस अपने परांठे और दाल आ चुके हैं, साथ में चाय करवाइए। अमचूर जी एक अमचूर भी दे दे यार, देख ले हो गया है ढूंढ ले कहीं। तो गाइस अब कुछ सामान लेने आए हैं, खा पी के हम फारिग होते हो गए थे, तो अब कुछ सामान लेने आए हैं। अब ऐसा है मम्मा की वीडियो बनानी है, उसके लिए सामान चाहिए होता है बहुत सारा, तो बस उसको इकट्ठा कर रहे थे। गर्म मसाला भी चाहिए ये अपनी पेट पूजा के बाद, अब गाड़ी की पेट पूजा भी ज़रूरी है। देखो दिखा तो आधी टंकी रहा है, बट मैं इसके मीटर पे भरोसा नहीं करता, कभी भी धोखा दे सकता है। और ऊपर से फिर ऐसा भी है ना, फुल रहेगी ना टंकी तो फिर बाद में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि चौपाल में कभी कभी दिक्कत हो जाती है पेट्रोल की। पता है गाइस अपनी सड़क ठीक हो रही है, देख रहे हो, वरना इस सिंगल बोल रहा हूँ उसी में चलो, बहुत टाइट होती थी ये सड़क। बट अब देखो अब ऐसा है कि इस साइड को भी ना थोड़ा थोड़ा काट काट के अब लेवल कर दिए वाली सड़क भी, और जब इसमें मेटलिंग हो जाएगी ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। वही हाल हो जाएगा जैसे अपनी ये रोडू वाली सड़क है ना, एकदम खुली चौड़ी वैसी। अब चंबी पहुंचने वाले, इसके बाद होने वाला है धुंध वाला इलाका शुरू, जो है अपना खिड़की और चारकी, मेनली चारकी, चारकी में होती है और कुछ खतरनाक धुंध, इतनी तो फाटू और कुफरी में भी नहीं होती है। कौन क्या क्या दे रहा है? कितने का है? 50 का। बहुत वेट लगाए हो। चीचे बकरनी चीचे, चीचे मशरूम ना, मशरूम होता है चीचे, दिखाना दिखाना चींचा दिखाना अंदर से, ये देखो जंगली मशरूम, फूलगोभी, फूलगोभी टाइप होती है जंगली। क्या बात है, मम्मी के लिए सामान मिल गया भाई। 200 माना 3 दोनों चीजें। 200 रुपए। अरे तुम बहुत पैसा ले रहे हो। यहाँ पर हमेशा पिछली बार यहाँ से लिंगड़ी ले गए थे सब्जी, इस बार ले गए, और इस बार कोई नई सब्जी ले जा रहे चीचा, जो जंगलों का, जो जंगलों की फूल गोभी होती है और वो इतनी बढ़िया होती है, मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया। मम्मी जी बस भी आ रही कोई? हाँ जी हाँ जी आ रही है। इस भाई तो धुंध है, धुंध में भी दिख ही नहीं रहा यार, विजिबिलिटी भी तो चलो कोई नहीं। आजकल बरसात है। हां ओए ओम चुड़ेश्वर नारा रक्षा करना बुद्धि देना। हां ओम भगवान। तो गाइस यूं नहीं हम पहुंच गए यहां पर, रोनी भैया वगैरह हमें मिलेंगे, उनको सामान पकड़ाना है फिर चल पड़ेंगे हम अपने रास्ते, वो लोग अपने रास्ते। हां है ना, तो बच्चे भाई साहब यूं नहीं तो दादा ही ठंडी हवा है यहां पर, बट नाइस यार। सर्दी में आके देखो तो सर्दियों में तो कुछ ज्यादा ही होगा ना, बट अभी भी कुछ कम नहीं है। गल्लू में मिलते हैं। हेलो मोटी, हेलो बीबी, हेलो। चलो जी गल्लू आ जाओ फिर। गल्लू ओए मोटी गल्लू आ जाओ। गल्लू स्क्रैच मारेगी छाले, गंदे गंदे हट जा आगे। नहीं जी चल है, रोहिणी दीदी वगैरह। अच्छा ठीक है तो आ जाओ, दादी भी है ठीक है। अपनी जगह गल्लू, इस जगह का नाम बेसिकली गल्लू है, जहाँ पर हम यहाँ गाड़ी खड़ाते हैं। तो यहाँ पर तो हम पहुँच गए, और रोनी भैया वगैरह भी हमें मिल गए थे, उनको हमने सामान पकड़ा दिया, तो वो निकल गया शांडी की तरफ, हम इधर से अब जाएंगे अपने घर की तरफ। इंतज़ार है तो बस बंदों का, जो अभी सामान उठाने आएंगे वो लोग आएंगे, उनको उनके पास सामान देंगे, फिर सब चल पड़ेंगे नीचे की तरफ। बाकी बताऊंगा गाइस, अभी तक पीछे तो ठंड लग रही थी, यहाँ पर तब भी ठीक है ना, यहाँ इतनी फील नहीं हो रही है, महसूस नहीं हो रही है, वरना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड फील होती थी यहाँ पर, जैसे आप गाड़ी से उतरो ना भयंकर। पर ठीक लग रहा है अभी मौसम, नीचे जाके तो शायद और भी ठीक हो जाएगा। बाकी ऑल टुगेदर सफ़र वॉज गुड, बीच बीच में सड़क ख़राब है, बट बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होगी सड़क, दैट इज़ अ गुड थिंग। नमस्ते मुखिया, क्या हाल है? क्या हाल है संतोष, ठीक है?
कौन सा टैची? ये तो मैं ले जाऊंगा कोई नहीं। चलो तुम लोग यार, ये लो जी, ये लोग तो चल पड़े। बाकी देखो गुड्डू पापा भी आ गए गाइस, जिन्होंने भी हमारे को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने जाने दो ही ना, बट ये भी हमारे पीछे पीछे चलते और टाइमली पहुंच गए, अच्छी बात है। अब गाड़ी का करना है, अब क्या जंगल में आवाज़ सुन रहे हो ना, ये वाली कीड़े करते हैं, देख रहे हो? देखो सामने छू, जरा उड़ गया, देखो उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, नजदीक में। चल 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 ना गाइस, पूरे जंगल में जो आवाज़ आ रही है ये वाले कीड़े का, तेरे तेरे को मारियो मत, मार थोड़ी ना, अब छू इसको भागेगा। ये देखो गाइस ये वाले कीड़े करते हैं, और इसका शेल दिखाऊं, ये देखो एक इसका शेल भी है, ये शायद अच्छा उड़ नहीं पा रहा, नहीं उड़ेगा, उड़ेगा है ये पापा अपने बचपन की कहानियां सुना रहे, ये ऐसा करते थे लोग करेंगे तो ऑब्वियसली क्या, बट बोलते हैं इनका जो अब पता नहीं कुछ लिक्विड छोड़ते या कुछ पता नहीं फ्लूइड छोड़ते, वो थोड़ा वो होता है क्या बोलते हैं एलर्जिक होता है, उससे एलर्जी हो जाती है। हाँ कहाँ पता होता था, ये तो बड़े शरीफ होते हैं। अच्छा पापा ने शरीफ घोषित कर दिए। ओम भगवान जी रक्षा करना, बुद्धि देना, ओम श्री गुरु महाराज रक्षा करना, बुद्धि देना। ओम हेलो बेटा, कैसा है? इसको हमारे से कहीं जे की बात ना आ जाए। हेलो बेटा कैसा है? हाय मेरा, ये देखे कहाँ कहाँ से आ रहा है। ओए मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आया, भैया के पास आया डायरेक्ट है। मेरा बेटी कैसा है, कैसा है रोंदी? आ जा आ जा आ जा, जा। भैया से मिले मिले मिले। खुशी अरे नहीं नहीं डराओ मत यार बेचारे रोंदी ब्रो को। ये देखो भाई फाइनली रिश्त बगीचा, आ जा बेटा आ जा। लेट गया, क्यों लेट गया मेरा बेटा, क्यों लेट गया, क्यों लेट गया शाले गंदे बच्चे। ए गाइस देखो जिमी, पिछली बारी नहीं मिली थी, इस बारी मिल गई। इसको देखना, अब इसको चिढ़ हो रही है कि भाई मुझे भी छुओ, इसको क्यों छू रहे हो। और है ये माँ बेटा, देखो असली, ये देखो हाय मेरा बेटा। नो नो स्टे स्टे बस, गुड गर्ल गुड गर्ल। ओए पिटी हो जाएगी तेरी, हेलो कर दो, हेलो जिमी। ओए तुम मानते क्यों नहीं हो यार, अब देखो अभी आपस में बातचीत करेंगे कि नहीं भाई क्यों क्यों, करो 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 करो, डिस्कस कर लो पूरा कि रहना ठीक से। हाँ आ जाओ। हाय मेरा बेटा कैसा है तू, इतने टाइम बाद कहाँ था तू मेरा बेटी। इसको लगी भी है बेचारे को पाँव में, है ना, इतना सुंदर लग रहा है ना चारों तरफ, एक तो हरियाली इतनी प्यारी हुई है ना चारों तरफ गाइस, अमेजिंग। बाकी फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम घर, ठीक है अपडेट हमने ले लिया थोड़े अपने बगीचे का कि क्या चल रहा है कैसा है सब कुछ। मेरे फूल भी चल पड़े हैं। नहीं फूल तो बढ़िया चल रहा है आपके, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कौन से फूल है गाइस, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि ये कौन से फूल है, बट दे ऑल आर रियली ब्यूटीफुल, घर की शान बढ़ा दी। घर एक बार यहाँ बनाने दो, हमें पूरे घर को इससे कवर करेंगे, ऐसे ऐसे फूल अच्छे साफ कर लिया। हाँ ये देखो क्या बात है यार गाइस, ये देखना यहाँ ना काफी ज्यादा होते थे जैसे पत्थर लकड़ियाँ वगैरह काफी, बट छम्मी अंगल पूरा साफ कर दिया। लोग पता क्या सोच रहे हैं इनका घर ऐसा बोल रहे हैं क्या, ये स्पॉट्स नहीं जैसे जितने लोग अपन एक तो यहीं पे, ये देख हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई बहुत प्यारे, पीछे हो गया और क्या, देख रहे थोड़े अपने चूल्हे के ना खस्ता हाल हो चुके, हमने सोचा था आज देखने के लिए क्या बोलते कि देख के हमने ले आना भी था आज, बट वही स्पेस का थोड़ा इशू हो गया था उसकी वजह से कैंसिल ही करना पड़ा प्रोग्राम, वरना ठियोग में भी हमने देखना था सेकंड नहीं थे अच्छे, ठियोग में देखो अच्छे थे, सेकंड जो हमने सोचा था गुम्मा में भी ऑप्शंस आपको मिल जाती है चूल्हों की, चूल्हा भी क्या है हम इसको चूल्हा बोलते हैं बेसिकली, शायद इसको बुखारी बोला जाता है कई जगह, तो बुखारी हमने देखनी थी बट यार वही कैंसिल हो गया। अब सोच रहे इसका करे तो करेगा, क्योंकि यही इस पे बस वही है कि आप आग जलाने लायक और पानी गर्म लायक, खाना खुना तो आप इस पे बना नहीं सकते हो, क्योंकि अभी जैसे आपको मैं दिखाई देता हूँ मेनली, तो देख रहे हो पानी देख रहे हो, अभी बारिश हुई होगी ना तो इसकी पाइप से ना पानी पानी आ गया और सारा जमा हो गया होगा, और उसकी वजह से जंग कितना ज़्यादा लग गया वो भाई, इसकी वजह से चूल्हा ख़राब हो गया। इट्स टू डैम हॉट यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर इतनी गर्मी, बट गर्मी है अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पर यार। अब हाँ सही बात है, पिछले साल ठंड और कुछ थी क्योंकि बारिशें बहुत हो रही थी, बट इस साल बहुत मुश्किल है यार, मेरे को तो यही है कि अब अगर चूल्हा जलाएंगे तो उससे और गर्मी हो जाएगी, फिर सोना मुश्किल हो जाएगा रात को, बट चूल्हा जलाना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसके चारों तरफ जो पानी इकट्ठा हुआ है वो तभी सूखेगा जब चूल्हा जलेगा, तब समझ नहीं आ रहा करे तो करेगा, बट इट इज़ टू डैम हॉट राइट नाउ।